शांति। 29/6/2019 की साकार वाणी है। भाव ने कहा, मीठे बच्चे याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर पढ़ते हैं, कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है, माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखलाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखलाते हैं, मनुष्य भी सिखलाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है, यहाँ सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है, 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। हम बच्चों को भी यह वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं, इसमें हठयोग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठयोग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है, ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा न है, न तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विकर्म विनाश होंगे, ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे। उन्हों का पाठ ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है, बस समझते हैं इन्हों कि यह गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वह है फरिश्ते। वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं, वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया?
बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ से बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी से बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म बतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ, इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बार आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम में तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाबा आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार तुमको। बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है, इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहाँ है ही देवताओं का राज, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो, यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो, यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है, यह बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया, बाप कहते हैं कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन, बाप को याद करो तो बिकम विनाश हो, इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठयोगी तो ढेर हैं, वह है हठयोग, यह है बाप का वो याद करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझे, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे, यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते हैं, बहुत फैल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। बाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो यह हठयोग हो गया, हठयोगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, कितने हठयोग आदि से कहलाते हैं, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएँ हो, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा हैं। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा हैं, तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है। आत्माएं परमात्मा अलग रहें बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं,
बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सत्व प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो, बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, यह बात जब सुने तब धारण हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है, सिवाय इस संगमियों के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। यह बड़ी ऊंची यात्रा है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह रजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़ी ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है, वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्मा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाएं तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हमसे बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाएं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो। संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा है। बेकार आदि छोड़, बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना, सारा मदार है याद की यात्रा पर। उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वारियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं, धंधा धोरी बल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासुक के। अब वह मासुक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भले याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़ी होते थे। बाप ने बताया है तुमको, यहाँ तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, पति मात पिता बाप दादा का याद प्यार।
और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान में कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100% मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा ही है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना है। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो स्थिति आवागमन से छूट जाएगी। अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो स्थिति आवागमन से छूट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।